आप देख रहे हैं हमारा बिहार। वर्तमान में पूरे बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक प्रभावी है और गाइडलाइंस के मद्देनजर अल्टरनेट डे में दुकान खुल रही है। सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक दुकान खुलना है, लेकिन कपड़ा व्यापार और कई उद्योग को अभी भी भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। सार्वजनिक परिवहन बस नाम मात्र की चल रही है, जिसमें यात्रियों को रेलवे स्टेशन से घर तक जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी सब को देखते हुए 8 जून के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन लगे या अनलॉक चालू होगा, इसके लेकर बड़ी मांग बिहार के बड़ी संस्था कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की बिहार शाखा के द्वारा की गई है। उन्होंने बिहार सरकार से डिमांड करते हुए कहा है कि अगर 8 जून के बाद नई गाइडलाइंस आती है तो सभी ट्रेड को 5 बजे शाम तक कारोबार की अनुमति दी जाए और सप्ताह में 5 दिन तक दुकान खुले। शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बाजार बंद रखा जाए, यानी 2 दिन आवश्यक दुकान खुले और बाकी पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में लगे लॉकडाउन के अनुसार निर्धारित समय सुबह 7 बजे ज्वेलरी और कपड़ा आदि के दुकानों में ग्राहक नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार 8 जून के बाद नए नियम के साथ अनलॉक की शुरुआत करे। इसी बीच दरभंगा में पवन सुरेखा ने कहा है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 3 माह तक के लिए EMI वसूली पर रोक लगाई गई थी, इस बार 2 माह तक रोक लगाई जाए। सबके मद्देनजर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 जून के बाद नए नियम के साथ बिहार अनलॉक हो सकती है। हालांकि बिहार एक बार फिर से यही सवाल पूछ रहा है, क्या अनलॉक होगा या फिर कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का विस्तार। क्या बिहार MP और महाराष्ट्र की राह पर आगे बढ़ेगा या दिल्ली की राह पर। कम हुए संक्रमण और मृत्यु दर का हवाला देकर अनलॉक की मांग की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार को हुई नुकसान की भरपाई की बात उठाई जा रही है। कुछ लोग लॉकडाउन के विस्तार करने की स्थिति में परिवहन में छूट, दुकान खोलने के समय को बढ़ाने और स्कूल को फिर से खोलने की मांग भी उठाने लगे हैं। वैसे अनलॉक या लॉकडाउन का विस्तार करना निहायत के स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से सभी जिलाधिकारियों की रिपोर्ट और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के आधार पर यह फैसला करेगी।